दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, दुखद है ये पूरी घटना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता जो है, कितना भी आपका झगड़ा हो, कितना भी आप पड़ोसी हो या भाई हो, जो भी है, आखिर में टेबल पर बैठ के रास्ता निकलता है और उसके तरीके होते हैं। और बीच में तो मुझे लगा था कि इस तरह की कुछ ट्रैक टू कोशिश भी हो रही है। अब जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, वो विश्व कप में पाकिस्तान की टीम भी आ रही है और अहमदाबाद में ही मैच होगा। और आप याद करिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी जो रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे तो क्रिकेट सीरीज़ से ही शुरू हुए थे, गुडविल क्रिकेट, जिसमें सौरभ गांगुली की टीम गई थी। पहली बात तो ये है कि मैं अपेक्षा ये, जिन लोगों ने ये काम किया है उनको घेर करके हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल उनका इलाज कर दें सही तरीके से, जो होता होना चाहिए, और उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी देश में। और सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी भी शहीद हुए, कश्मीरी हैं। तो इससे एक बात जाहिर होती है, कश्मीर का जो जनमानस है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ है। ज़रूरत यह है कि उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि रामकुमार जी ने जो बोल दिया है उसके ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार कहीं, चाहे ट्रैक टू से, चाहे हो, पाकिस्तान से सख्ती से भी बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जैसे अब दोनों देशों के बीच इस समय, यहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, वहाँ भी हाई कमिश्नर नहीं है, कूटनीतिक संबंध बहुत ख़राब स्थिति में हैं, बहुत सारे जो रास्ते सब टूट गए। अब हो सकता है लोग कह सकते हैं साहब उससे क्या फ़ायदा, क्या मिला, अटल जी बस लेके गए, मोदी जी वहाँ लाहौर चले गए, उसके बाद कारगिल हुआ, कारगिल के बाद उधर पठानकोट हुआ, ये इतिहास में तथ्य हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके पास रास्ता क्या है? आखिर दुनिया में जितने बड़ी, आज हम रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम कह रहे हैं बातचीत से हल हो, संवाद से हल हो, कह रहे हैं ना, तो वहाँ तो सीधे हम युद्ध हो रहा है। आखिरकार आपको कहीं ना कहीं बैठ के इस मामले में बात तो करनी ही पड़ेगी। अब कब की जाए, बेहतर है जितनी जल्दी हो, और सख्ती के साथ साथ दोनों तरीके हैं। भारत, जैसा कि रामपाल जी ने कहा, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, आज दुनिया की हम एक बड़ी शक्ति बन चुके हैं, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी और प्रभाव के तौर पर भी, G20 ने दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका, इस जो भारत का इस वक्त जो प्रभाव बना है देश में, ये दुनिया में, इसका भी फायदा उठा करके और पाकिस्तान को टेबल पर ला के उनको सख्ती के साथ भी और नरमी के जो हर तरह से समझाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें बंद करिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वो जो रामपाल जी ने कहा कि उस रास्ते से देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की लैंड वाली, ज़मीन वाली पहले, उसके बाद पुलवामा का बालाकोट किया, लेकिन आतंकवादी उस वक्त बहुत ये हुआ था कि साहब वो लॉन्च पैड ख़त्म कर दिया और कमर तोड़ दी, तोड़ी भी होगी, लेकिन वो फिर घटनाएं हो ही रही हैं इस तरह की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार इस मामले में भारत को दोनों चैनलों से, एक सुरक्षा बल एक तरफ से अपने तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनका अभियान जारी रहे, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने की जरूरत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।